हे गाइस वेलकम टू द न्यू व्लॉग और ट्रैवलिंग के लिए रेडी है हम मैं भी रेडी हूँ नील पेंट्स वगैरह लगा के 10:30 का टाइम हो रहा है अभी वी आर रेडी इवान मैगी खा रहा है बैग्स पैक हो गए हैं और वी आर इन बस राइट नाउ मुझे बस में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है बट स्लीपर था तो सोते सोते आराम से पहुँच गए हम और माउंटेंस में हम अभी राइट नाउ और मैं आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ माई गॉड इ इतना अमेजिंग लग रहा था काफ़ी टाइम के बाद मैं माउंटेंस में गई हूँ और आराम से हम पहुँच गए और ईवान भी आराम से सोता रहा नाइट की जर्नी इसलिए बहुत ही अमेजिंग होती है बच्चों के साथ आराम से सो जाते हो और ये अमेजिंग व्यू लुक एट द व्यू मुझे तो इतना अमेजिंग लग रहा था आई वॉज़ इन नीड ऑफ दिस हॉलीडे एक्चुअली सो अभी भी ईवान इज स्लीपिंग और बस अभी रुकेगी ट्वेंटी मिनट्स के लिए समवेयर इन मंडी के आसपास और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग ऐसे स्टैंड अप करके कहीं पे देख रहे थे मुझे पता नहीं मे बी सनराइज़ का वेट कर रहे थे या कुछ बहुत ही अच्छा लग रहा था वो भी और जिंग बस ये हमारी बस है कोई ऐड नहीं कर रही हो बट वहाँ पे खड़े थे तो दिख गई बस और लुक एट दिस अमेज़िंग व्यू इसके बाद हम फटाफट अभी मनाली पहुँच जाएंगे वहाँ को ठंड लग रही थी तो जैकेट पहना दिया है वहाँ पर वेदर काफ़ी प्लीजिंग था थोड़ा ठंडा था और ओ माई गॉल लुक एट दिस रिवर अमेजिंग इसके बाद हम और थोड़ा ऐसे ही बैठे बैठे सूत सुथ सुते पहुँच गए और बस बीच में काफ़ी देर तक रुकी हुई थी क्योंकि उन्होंने मैं आपको दिखाऊँगी का गत्ते के ना काफ़ी सारे इन्होंने कार्टनस वगैरह रखे हुए थे और इनके पास इन्वॉइस नहीं था उसकी वजह से काफ़ी टाइम वेस्ट हुआ हमारा तो बस वालों को इतना तो टेक केयर करना चाहिए कि, कि किसी का टाइम वेस्ट ना हो कस्टम वालों ने पकड़ लिया था काफ़ी देर तक उनको और इसकी वजह से बस रुकी मैं काफ़ी देर के बाद मैंने मेरी आईज़ ओपन हुई मैं कहा इतनी देर के बाद यहीं पे पहुंचे अभी हम यहीं पे तो थे मतलब बस चली ही नहीं इतनी देर से और फिर देखा तो बस रुकी हुई थी कस्टम वालों ने रुका हुआ आती वो ना एप्पल्स की ये रे कार्टन से ये सभी इन्होंने बहुत सारे अंदर रखे हुए थे और पैसेंजर के जो बैग्स थे वो उन्होंने खुद ही कैरी किए हुए थे पीछे वाली सीट खाली थी तो कुछ लोगों ने वहाँ पर रखे हुए थे और राइट नाउ आर इन मनाली गाइस पहुंच गए हैं ये बस स्टैंड है उस उनका बस टर्मिनल और पहुँच के ब्रेकफास्ट बहुत भूख लगी हुई थी ब्रेकफास्ट किया चाय पिया और अभी हम मनाली के मॉल रोड पे हैं और बहुत ही मतलब इसके बहुत पास था हमारा गेस्ट हाउस बट हमने फिर गेस्ट हाउस चेंज किया वो हमें पसंद नहीं आ रहा था तो थोड़ा सा उसमें भी टाइम हमारा लग गया बट ठीक था अच्छा लगा फिर भी हमें सर्च करने में इधर उधर और ये मनाली अभी देखो अभी मॉल रोड कितना खाली लग रहा है अभी मैं वन टू डेज़ के वन मस्ती करता हुआ ये इस तरह से हम होटल से ढूंढ रहे थे वहाँ पर और फाइनली भी मिल भी गया था और काफ़ी आसपास से ही मिला और इसकी वन टू डेज़ के बाद इतना रश हो गया था वहाँ पे बहुत रश हो गया था हॉलीडे का टाइम था इसलिए और अभी वी आर गोइंग टू ओल्ड मनाली ये ब्रिज आता है बीच में यहाँ का व्यू बहुत ही अमेजिंग है ओल्ड मनाली में रहने का बहुत ही अमेजिंग व्यू रहता है मतलब मज़ा आता है बहुत बट हमने इस बार मॉल रोड के पास ही लिया था क्योंकि हमें थोड़ा सा वहाँ से कन्वीनियंट था हमें रोहतांग पास वगैरह पे जाना था तो बस बस ईजिली मिल जाती है सुबह सुबह आराम से वहाँ पर उठो और पहुँच जाओ हमारा होटल भी इतना कन्वीनियंट इतना पास था बहुत ही अमेजिंग और ये गाइस ने पीछे से जाते जाते मुझे पुश कर दिया था मैं इतनी डर गई हुआ ये क्या है देखा मुझे इतने पास से गाय गई थी काऊ और कि हम पहुंच गए हैं ओल्ड मनाली यहाँ पे देखो इतने एप्पल्स लगे हुए थे ना ट्रीज़ में ये तो एक ही कैप्चर किया है मैंने अदरवाइज बाद में शायद मैंने और भी कैप्चर किए थे तो वो आपको दिखेंगे इतने सारे लगे हुए थे इतने अमेजिंग लग रहे थे ना ये ट्रीज़ मुझे मतलब मैंने फर्स्ट टाइम इस तरह से एप्पल लगे हुए इतने पास से देखा ऐसे टीवी वगैरह पे ही देखा हुआ था मुझे बहुत ही अमेजिंग लग रहे थे इतने पास से मन कर रहा था तोड़ टोलू बट किसी और का था और ये एक शॉप थी इतनी ब्रिटी लग रहा था मतलब वाइट 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 इतना सारा था इसका नाम भूल गई कि भाई इसका नाम क्या होता है ईवल आई वगैरह और भी काफ़ी हैंगिंग में थे ये बाई तो हमने किया नहीं ये क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी घर पे थे और वान डांस करता हुआ ये एवरीवेयर डांस कर रहा था ही वाज इन्जॉइंग सो मच और अभी मॉल राउंड में काफ़ी रश हो गया है नाइट का टाइम है और इसका नाचो डांस चलता रहता है नाचो डांस कर रहा है ये अपना और मॉल राउंड में अभी जितना रश है ना इससे यू कैन से थ्री टाइम्स फोर टाइम्स रश हो गया था बाद में आई विल शो यू और अभी कुछ इस तरह का माहौल है वहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा था एक सिंगर भी था वहाँ पे सिंग कर रहा था इस तरह से जलेबी रबड़ी एंजॉय करते हुए ये एक फायर पान वहाँ पे बहुत चला हुआ है ट्वेंटी का नॉर्मल पान और फायर पान फिफ्टी रुपीज़ का ये गर्ल्स और बॉयज़ वहाँ पे ट्राई कर रहे थे काफ़ी देर से और ये व्यू है हमारे गेस्ट हाउस से बट हमने इसको चेंज कर दिया है और हमें न्यू मिल गया है तो अभी वी आर गोइंग हेडिंग ऑन टू द न्यू होटल और वो बहुत ही अमेजिंग था वहाँ से व्यू इतना ज़्यादा अमेजिंग था और ये होटल मिल गया है आई विल शो यू इन नेक्स्ट वीडियो टिल दिन